हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि कैसे ब्लेंडर के अंदर एक बर्ड को रिग किया जाता है। मैंने अपने चैनल में ह्यूमन को रिग करके दिखाया, कार को रिग करके दिखाया, और आज मैं एक बर्ड को रिग करने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर में करिए ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके, वो भी हिंदी में। तो चलिए चलते हैं अपने बर्ड को रिग करते हैं। तो मैं ले आता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये देखिए, ये हमारे पास आज एक तोता टाइप का है, तो ये हमारा बर्ड है। तो आज मैं इसको रिग करने वाला हूँ। तो मैं चले जाता हूँ सबसे पहले टेक्सचर मोड पे, और इसको कलर में देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का कलर है। तो अब हम इस पे लगाते हैं इसका बोन। तो शिफ्ट ए करके मैं यहाँ पे चला आता हूँ आर्मेचर में। एनिमल के अंदर मेरे को मिल जाता है सबसे पहला मेटा बर्ड। तो मैं इसको वन पे आता हूँ, और इसका साइज इसके हिसाब का कर देता हूँ। तो इतना ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो ये पूरे बोन है ये इसके बर्ड पे पूरा लगा देता हूँ। तो मैं इसको करूँगा टैब मोड पे चला जाऊँगा, एडिट टैब क्लिक करके एडिट मोड पे चला जाऊँगा, और इसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फर्स्ट थंब पे। सबसे पहला मैं ये क्या करता हूँ, एक्स वाला ये मिरर वाला ऑन कर लेता हूँ। फर्स्ट पे आता हूँ, और इसका जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले है ये मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ इसके इसमें, और व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इसका इन फ्रंट कर लेता हूँ। तो ये हमारा इस तरह से दिखने लग गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके जो पैर के जो वो है कट, ये उंगलियाँ जो है इन पे बोन लगा लेता हूँ। तो Ctrl 7 दबाऊंगा, और मैं आ जाऊंगा सबसे ऊपर से उल्टा, मतलब नीचे नीचे की तरफ। तो ये हमारी जो है ये पैर, ये राइट वाली उंगली का, ये उधर वाली वो उंगली का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और L प्रेस करता हूँ, और G करके इसको यहाँ करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, और इसको यहाँ पे ऐसे ला के लगा देता हूँ इसको भी। अब फिर यहाँ से D सेलेक्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे रख के L प्रेस करता हूँ, और फिर R करके यहाँ करता हूँ, और G करके इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सेट किया। अभी तो मुझे इतना ही दिख रहा है इस साइड से। अब 3 साइड से देखता हूँ, और इसको क्या है ना, इसको मैं यहाँ से पूरा ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, और साइज Z 0 क्लिक करूँगा तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे ऐसे। तो अब मैं एंटर कर देता हूँ, और इसको G करके ना मैं छोटा कर लेता हूँ, G करके Y एक्सिस पे यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी इसको मैं पकड़ता हूँ G करके Z, ये यहाँ है, और G करके इसको सिलेक्ट, इस सिर्फ सर्कल को करना, G करके Z यहाँ पे। और अभी ये मैं पीछे की तरफ देखता हूँ, तो मेरा ये स्टार्ट है, जी करके यहाँ, जी करके यहाँ, जी करके यहाँ, यहाँ। और अब मैं इधर से देखता हूँ, इसको L करता हूँ, जी करके X एक्सिस पे इसको यहाँ, ये मेरा ऐसा सेट हो गया। ये हमारा सेट हो गया। अब बारी आई इसकी, जी करके थोड़ा, ये मैं अपना सेट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे वैसे आप सेट कर लीजिएगा।
ऐसे मैं धीरे धीरे इसको पूरा सेट करते जाता हूँ। तो अभी हमारा यहाँ तक हो चुका है और ये हमारा प्यार पूरा लग चुका है अच्छे से। तो जहाँ जहाँ पे था मैंने वहाँ पे लगा दिया है। और इसका जो ये है इसको मैं ऐसे सेट करूँगा, और थ्री पे आके इसको पूरे को करना पड़ेगा हमें। तो अब मैं चले आता हूँ 47 पे और इस वाले को इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। इस पे मैंने क्या करा, एल प्रेस करा और जी करके मैं इसको यहाँ कर दूँगा और इन सबको स्टेप बाय स्टेप सेट करता चला जाऊँगा। अब मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफी से देखूँ तो अभी ये मेरा अभी सेट नहीं है, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ। अभी हमारा पूरा सेट हो चुका है, बर्ड का ये पंखे पूरे सेट हो चुके हैं। और अब आते हैं ये पीछे वाले पे, तो ये मैंने सेलेक्ट करा एक्सरे मोड में, यहाँ पे ऑफ करूँगा और जी करके वाई एक्सिस पे इसको यहाँ, और साइज में इसको थोड़ा बड़ा तो ये ऐसा थ्री क्लिक करूँगा, और इसको क्लिक करके जी करके जेड करूँगा, और इसको यहाँ इसको सिलेक्ट जी करके जेड, इसको यहाँ इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करके मैं जी करता हूँ यहाँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने जी करके, मैं शिफ्ट के साथ इसको भी जी करके इसको यहाँ। ये हमारा सही से लग गया है। और अब आती बारी ये, अब आते हैं हम हेड की तरफ। तो जी मैंने यहाँ करके इसको यहाँ कर दिया इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको इन दोनों को एक साथ यहाँ। फ्रंट का हुआ ऐसे देखूंगा, तो ये कुछ इस तरह से मैं इसको इसके पास ले लूँगा जी करके, एक्सरे मोड ऑन कर लूँगा और जी करके वाई करके यहाँ इसके पास सेट कर दूँगा। अब एक्सरे मोड ऑफ कर दूँगा। ऑफ करने के बाद अब रह गया हमारा जो मेन है, ये हमारा सिर है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। अब जहाँ तक का है मेरे हिसाब से तो ये पूरा हो चुका है। और आंखें और वो करने लिप्स तो वो तो मेरे इसमें है नहीं, पर मैं फिर भी ऐसे नॉर्मली लगा देता हूँ। ये हमारी अपर वाली है चोंच, ये हमारी लिप्स है। तो लिप्स तो मैं है ही नहीं, लगाऊंगा ही नहीं, तो मैं इसको बस ऐसे करके यहाँ अंदर कर देता हूँ। और ये हमारी आंखें हैं, इसको जी करके यहाँ कर देता हूँ। नॉर्मली है नहीं वैसे हमारे पास। उप्स, एक्सरे मोड ऑफ था, थ्री किया मैंने और जी करके इसको यहाँ। आंखें हमारी थे नहीं तो मैंने लगाई नहीं, बस ये यहीं तक कर दिया। और ये
मैंने ऐसे कर दिया, मतलब पूरा फिट कर लिया, ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा लगा लिया है। और अब मैं टैब से बाहर मैं ए करूँगा और कंट्रोल ए करके ऑल ट्रांसफॉर्म कर दूँगा, और फिर रिग लेके इसको जनरेट रिग करूँगा और इसको मैं हाइड कर दूँगा, और इसको करके फिर ए करूँगा और फिर कंट्रोल पी से ऑटोमेटिक। तो ये हमारा रिग हो चुका है। कंट्रोल टैब से मैं पॉज मोड में जाऊँगा, शॉर्टकट की है पॉज में जाने की। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये रिग हुआ है। तो ये मेरा ये वाले लोगों में, और आर करके मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह से मेरा अच्छे से मूव हो चुका है। और एक्स की वैल्यू ये देखिए, हमारा जो बेसिक है ये हमारा नाखून रिग हो चुका है। उंगली दिखाता हूँ मैं, तो ये देखिए किस तरह से रिग हो चुकी है। ये देखिए किस तरह से हमारी एक एक फिंगर भी रिग हो गई है। ऐसे कोई सी भी रिग आप ले लीजिए, वो हो चुकी है, रिग हो चुकी है। ये हमारी पूरी होगी, ये पूरा पंजा है बड़ा वाला जो हमारा, और ये जो हमारा है ये पूरा लेग है। तो ये पूरी लेग हमारी जो है रिग हो चुकी है। और ये जो है हमारी, ये जो पीछे की ये पैर वाला है ये चीज़ है, और ये जो हमारा क्यूब है ये जी करके ये पूरा है, ये बैठने वाला। ये देखिए किस तरह से हमारे जो पूरा बर्ड है वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये थी हमारी, और ये देखिए आर एक्स की वैल्यू में, आर एक्स की वैल्यू में ये देखिए ये बर्ड का ये मूवमेंट है। और ये वाला करता हूँ आर एक्स की वैल्यू में, ये देखिए ये हमारी पूरी पंख हो रही है, और आर एक्स की वैल्यू में ये वाली इधर से हो रही है, और यहाँ से करूँगा मैं आर एक्स की वैल्यू में। तो यहाँ तो ये कुछ इस प्रकार से ये पंख हो रहा है। और बाकी आते हैं इस साइड, तो हमें देखने को मिलेगा इनकी कमर पे ये आर एक्स की वैल्यू में करूँगा, तो ये हमारा पूरा जो है ये पूरा मूवमेंट हो रही है इसकी। ये देखिए किस तरह से ये कर रहा है मूव। और आते हैं नेक्स्ट में, इस वाले को लेंगे और पार करके एक्स में, तो ये थोड़ा आगे से कर रहा है, और इससे और ऊपर आएंगे तो ये हमारी गर्दन वाली आ जाएगी और एक्स ये इस तरह से कर दिए। अब आते हैं इस साइड, तो मैं आर करूँगा, ये देखिए पंख, जो पंख हमारे रिग नहीं हुए उसको हम डिलीट कर देंगे बाद में। तो ये आर, ये देखिए पूरा मूव हो रहा है ये। और मैं आता हूँ इनके विंग्स की तरफ, तो विंग्स ये रहे हमारे, आर करूँगा मैं, ये देखिए किस तरह से हमारी ये जो विंग्स है इसके पूरे प्रॉपर रिग हो चुके हैं। ये वाले को भी लेता हूँ मैं और आर करता हूँ, ये देखिए किस तरह से हमारी ये जो विंग्स है वो रिग हो चुका है। ये लास्ट वाला भी करते हैं, ये देखिए पूरा प्रॉपर जो हमारा जो ये है बर्ड, ये हमारा रिग हो चुका है। ये हमारी गर्दन है और ये हमारा सिर है, ये देखिए किस तरह से रिग है। और इसमें आता हूँ मैं चोंच में, तो ये देखिए किस तरह से चोंच हमारी ये हो रही है। तो चोंच को भी हम खाना खिलाते वक्त ऐसे मूवमेंट करा सकते हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, ऐसे 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 कराएंगे। तो ये मूवमेंट हो गया ऐसे चोंच की। तो ये था पूरा बर्ड जो हमने रिग करके दिखाया, ये हमारा नहीं हुआ तो इन सबको हम डिलीट कर देंगे। तो अगर आप भी मेरी वीडियो देखने के बाद बर्ड को रिग करना सीख गए हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख के रोज कुछ ना कुछ सीख सके। मैं रोज वीडियो डालता हूँ, रोज कुछ ना कुछ बताता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।